हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे असरदार उपाय में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको हेयर फॉल से छुटकारा पाने का एक आसान सा घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ। यह नुस्खा आपके बालों को टूटने से बचाएगा, साथ ही आपके बालों को घना और मोटा भी बनाएगा। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को जरूर क्लिक कर ले नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अधिक मात्रा में बाल टूटने लगते हैं, जिससे बाल पतले हो जाते हैं। मैं जो नुस्खा बता रही हूँ, इससे आपके बालों के टूटने की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी और आपके बाल घने, लंबे और खूबसूरत होंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना होगा आंवला पाउडर। आंवला पाउडर आपको आसानी से मिल जाएगा मार्केट में। आंवला पाउडर हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, यह हमारे बालों को पोषण देता है, साथ ही यह हमारे बालों को काला बनाने में भी काफी मदद करता है। आंवले के इस्तेमाल से आपके बाल हमेशा काले बने रहते हैं, साथ ही आपके बाल लंबे भी होते हैं और घने भी होते हैं। इसके बाद आपको इसमें मिक्स कर लेना है शिकाकाई पाउडर, यह भी मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। शिकाकाई भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसके इस्तेमाल से बाल लंबे होते हैं, साथ ही घने भी होते हैं। अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है नीम की पत्तियों का पाउडर, ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, या फिर आप घर पर भी इस पाउडर को तैयार कर सकते हैं। आप नीम की पत्तियों को सुखाकर इसका पाउडर तैयार कर ले, या फिर आप ताजी नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम एंटीबैक्टीरियल होता है, जो हमारे बालों को टूटने से बचाता है, साथ ही हमारे सिर की त्वचा को भी स्वस्थ बनाता है। इसके अलावा यह डैंड्रफ को भी दूर करने में काफी मदद करता है। नीम की पत्तियों का रस निकाल करके अगर आप अपने बालों पर लगाएं, अपने बालों की जड़ों में अगर नीम की पत्तियों के रस का इस्तेमाल करें, तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और आपके बाल टूटेंगे नहीं, साथ ही आपके बालों में डैंड्रफ नहीं होगी और आपके बाल खूबसूरत हो जाएंगे। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपको इसे पानी की मदद से इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। इस तरह से इसे लगभग 2 घंटे के लिए भिगो के आपको रख देना है। 2 घंटे बाद इसका इस्तेमाल करना है। इसे अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगाएं। उसके बाद आप बालों की जड़ों से लेकर सिरे तक अच्छी तरह से लगाएं। इसे लगभग अपने बालों में आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक आप छोड़ दें, लगा हुआ रहने दें। उसके बाद नॉर्मल पानी से आप अपने बालों को वॉश कर लें। अपने बालों को आप शैम्पू अगले दिन करें। इसे लगाने के बाद बालों को शैम्पू नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल पानी से ही अपने बालों को वॉश करना है। इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 बार करें। आपके बालों के टूटने की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी, आपके बाल लंबे, घने और खूबसूरत हो जाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।